सो मोटा मैन ये एक टाइम है जो हम सभी को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज हम लोग ने ये जो 4 दिन ये रूम को खराब करा है ना हम लोगों ने भाई, उसके बाद हमारा रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। सो मोटा मैन ये रूम साफ करते करते हमको बहुत टाइम लगे, इतने सारे सामान थे, इतने सारे कपड़े थे, बहुत ज्यादा थक गए। अभी थोड़ी सी भूख लगी हमको, तो हम लोग ने मंगवाया यहाँ पर फ्रूट प्लेटर। लेट द मोन्टाज बिगिन। सो मोटा मैन आप लोगों ने मोन्टाज तो देख लिया। बाय द वे ये फ्रूट प्लेटर के अंदर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। फ्रूट प्लेटर के अंदर है ये कीवी, पाइनएप्पल, ये पेयर है, ये क्या है बीटी, हाँ चेरी नहीं है, ये कुछ और है भाई। इतने महंगे महंगे फ्रूट आज तक अबे वो ये रहता है, याद नहीं आ रहा, क्लिक नहीं होता रे, वो याद नहीं आ रहा, ठीक है। अरे वो गाइस ये लीची है बट याद नहीं आ रही है। ये क्या है भाई, ये एप्पल है क्या, ब्राउन एप्पल, वो ब्राउन हो गया है, ब्राउन हुआ नहीं है कभी, ब्राउन है। ये वाटरमेलन है एंड 2 डिश मंगवाई है, क्योंकि मिश्रा तो खाते नहीं और खाएगा तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, दिखता है का दिखेगा भी नहीं कि खाया है उसने। सो बाय द वे तो फ्रूट्स वगैरह चालू करने से पहले मैं चाय यहाँ पर सर्व कर लेता हूँ हम तीनों के लिए, क्योंकि मिश्रा भाई चाय का फैन है और हम भी। ये डाल दी हमने यहाँ पर ताज़ी ताज़ी चाय, चलो फुल कप चाय भर दी है हमने। लेट द फीस्ट बिगिन। कैसी लगी मिश्रा चाय? हाय हाय, खड़ा हो गया भाई चाय पी के, क्या तू यहाँ से यहाँ तो खड़ा हो। व्हाट यार, बीटी चाय कैसी लगी पी के दिखा? ऊपर देखना, नीचे कहाँ देख रहा है? शक्कर नहीं है। सो मोटा मैन पूरा रूम ऑलमोस्ट साफ कर लिया हम लोग ने, जो चाहिए था यार। ये कंटेंट दिया मुझे, एक मारूंगा ना नील हो जाएगा तेरे को। दिया मैंने यार, तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। जब मैं लास्ट टाइम गया था, अराउंड कितना साल हो गया, अराउंड 1 ईयर हो गया जब मैं लास्ट टाइम दिल्ली से मुंबई वाया। देखो दिल्ली में 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और एक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो इस बार हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हैं, हमारी ट्रेन है 5 बजे की एंड इट इज़ ऑलरेडी 4:32 राइट नाउ, हाफ एन आवर है, कोई सीन नहीं यार, प्लेन जैसा कि 2 घंटे पहले आके बैठो, कोई टेंशन नहीं, सीधा जाओ डब्बे में चढ़ो, ख़त्म बात, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सो नाउ द मेन फन बिगिंस। अभी होने वाला है पूरा राजधानी का व्लॉग, जिसमें मज़ेदार कंटेंट आने वाला है ओवरऑल। एंड एज यू गाइस कैन सी, आ भी गया न्यू दिल्ली, देखो जस्ट मैंने अभी बोला आप लोगों की पहुंच रहा हूं मैं। निर्धारित समय पर निकल चुकी है बैंग ऑन टाइम विद राजधानी एक्सप्रेस।
सुमोटा भाई न्यू दिल्ली के बाद सबसे फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऐसा यहाँ आया है जहाँ पर हम लोग अच्छे से कुछ खा पी सकते हैं। ऑल्सो एक और बात, न्यू दिल्ली के बाद ये फर्स्ट स्टॉप है राजधानी एक्सप्रेस का आफ्टर 500 किलोमीटर्स, सो यू गाइस कैन एंजॉय स्नैक्स वगैरह। ऑल्सो मैं अभी मास्क पहनना भूल गया था बाहर, तो फटाफट मैंने ये रुमाल बांध दिया। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब न्यू दिल्ली में लोग राजधानी एक्सप्रेस में बैठते हैं तब उनको पहले ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व, हल्का सा स्नैक्स वगैरह सर्व कर दिया जाता है, एंड स्ट्रेट आफ्टर दैट ये टाइम एक ऐसा होता है जहाँ पर वापस एक और हॉल्ट ले सकते हैं हम लोग, बिकॉज ये ट्रेन अभी फिलहाल 10 मिनट रुकेगी यहाँ पर, एंड यू गाइस कैन हैव सम स्नैक्स एंड थोड़ा सा टहल सकते हो अगर आपको टहलना है लाइक मी एंड मेक सम वीडियोज और एनीथिंग। बट या सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, सो मास्क ऑन। अच्छा मैं अंदर अंदर अच्छा मास्क पहन लूँगा, डोंट वरी। दाल तड़का राइस है, कढ़ी राइस, दाल तड़का, छोले मैं सुन रहा था, छोले भी है सर। सो छोले चावल पापड़ वगैरह है जी, जी। राइस, अच्छा राइस तो बोला मैंने, छाछ वगैरह जी सर सब है, ठीक है। और एंड में यार एक चाय कर देना यार, जब हम लोग खाना पीना खा के रात को आप जाएंगे तब, ठीक है, चाय हो जाएगी। ओके थैंक यू सो मच सर, टेक केयर। मोड़ा बहन यहाँ वी गो, राजमा चावल है यहाँ पर, काफ़ी टेस्टी है, मैंने ऑलरेडी एक बाइट ले ली है, बट एक और बाइट आपके सामने से लेंगे हम। राजमा चावल फॉर यू गाइस, हल्दीराम के राजमा चावल है बाय द वे। मेरे को थोड़ा सॉल्ट कम लग रहा है, बाकी ओवरऑल बहुत सही टेस्ट है। मोड़ा बहन यहाँ पर डेजर्ट आ चुका है हमारा, बहुत बढ़िया रबड़ी, मैंने ऑलरेडी आधी खा ली है, मैं पता नहीं आधा खा के बोल रहा हूँ कि मैंने एक बाइट खा ली है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसको मैं अभी और 3 खाऊंगा, इसी 4 खाऊंगा। गाइस देखो ओवरऑल हम लोग ने अभी बहुत ज़्यादा खा लिया है, 1 घंटे पहले खाया था, अभी हम लोग को है अगर नींद आ रही हैवी लेवल और अभी मेरे को ये डेटा ट्रांसफर करना है और ऊपर वन प्लस पड़ा है, तो हम सबको इतना आलस आ रहा है खड़ा होने में कि हम छुटा रहे हैं फिलहाल। जो वाइट जो छूटेगा, जो वाइट करेगा वो छूटेगा ही नहीं सर, अभी रुकना मत, जो निकलेगा वो लेगा, निकलेगा जो छूटेगा वो ऊपर से आईफोन लेने जाएगा, जो छूटेगा वो आईफोन लेने नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा अभी, तुम दोनों में चलो चलो चलो, तुम दोनों में से जो भी मेरे ऐसा, अभी लौट रुकना, तुम दोनों में से जो मेरे ऐसा करेगा वो नहीं जाएगा चल निकल जाए, इसमें कितना हंसी आ रही है, यहाँ पर गाइज हम लोगों ने 800 किलोमीटर्स की जर्नी ऑलरेडी पार कर ली है, एंड अब आने वाला है मिश्रा का होम टाउन विच इज़ रतलाम। अभी बज चुके हैं कुछ रात के 12:18, सो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है रतलाम रेलवे स्टेशन के, एंड अब यहाँ से हम लोग ने 800 किलोमीटर की जर्नी तय कर ली है फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। एंड एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी कि नहीं मालूम नहीं, जो हल्के हल्के ट्रेन के वाइब्रेशंस हैं, जो हवा की आवाज़ है जो हमारे आसपास से जाती है, एंड एक मस्त सा एक माहौल क्रिएट हो जाता है, और अपने दोस्तों के साथ बकचोदी करते रहते हैं यहाँ पर। अभी तो फिलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले हम लोग ने बहुत मस्ती करी, खाना वगैरह खाया एज यू गाइस सॉ। सो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ ओवरऑल कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा ये जो फ्लाइट्स वगैरह है वो प्रेफर करते हैं, बट असली मज़ा अगर आप लोग अपने दोस्त लोग के साथ हो तो असली मज़ा आपको एक ट्रेन में ही आएगा। एंड ऑल्सो अगर आप लोग अभी मुझे देखोगे तो यहाँ पर BT बैठा हुआ है, इसके ऊपर एक और कंपार्टमेंट है, ठीक है, एज यू गाइस कैन सी यहाँ पर मिश्रा बैठा हुआ है, साथ साथ में इसके ऊपर भी एक कंपार्टमेंट है, बट मेरे को इधर नीचे बैठने में मज़ा आ रहा है, सो मैं कब का यहाँ पर नीचे ही बैठ के इन लोगों से बात कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं चला है कि कब 5 से लेकर 12, ऑलमोस्ट 7 हो गए हैं भाई ये ट्रेन में, बिकॉज स्टार्टिंग में जब हम आए इतने ब्यूटीफुल
जो सनसेट हो रहा था उसके शॉट्स लिए हम लोगों ने, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। कैसे मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा कि 12 ऑलरेडी बज चुके हैं, एंड या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मिश्रा का होम टाउन विच इज रतलाम, एंड हम लोग फिलहाल है रतलाम रेलवे स्टेशन पर। ओ भाई मेरी तो गाड़ी फट रही है, अभी सिग्नल ग्रीन हो जाएगा और ये ट्रेन में तो छोड़ के चली जाएगी। सर ओके, सो ये अपना आ चुका है कोच मोटा भाई एंड मोटा बैंड। सो ओवरऑल हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, मेरे को भाई आगे इंजन में जाके रिस्क नहीं लेना था, बिकॉज हम लोग देखो उतना दूर गए थे, वो रेड लाइट दिख रही है वहाँ पर, उतना दूर गए थे हम लोग, तो काफ़ी दूर था। मास्क वगैरह पहन लिया है, आई नो मैंने बहुत जगह हाथ लगाए हैं, डोंट वरी अबाउट माई सेफ्टी गाइस, हम हर आधे घंटे में एक बार सैनिटाइज कर रहे हैं, डो नॉट वरी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ऑल्सो मोडा भाई सभी के सभी एक लाइक बटन दबा दो, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेरे को भाई सुनना पड़ता है पुलिस से कि आप मत रिकॉर्ड करो, ये सब अंदर की चीज़ है। सो ओके हॉर्न बज चुका है, ट्रेन मूव करने वाली है, लेट्स गो। जब भी हम लोग डिनर कर रहे थे ना, तभी मैंने केटरिंग वालों से बात करी एंड मैंने उनको बोला कि प्लीज़ एक दूध वाली मस्त मीठी चाय हमको एक थर्मोस बॉटल में फिल करके दे दे, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली एंड उन्होंने ना ये वाली चाय देखो दे दी हम लोग को, अभी ये सब कप्स दिए हैं, अब तीनों मस्त चाय पियेंगे। सर भाई साहब रात के 1:30 बजे की चाय गर्मा गर्म फर्स्ट सिप, मेरे को तो भाई बहुत शौक है चाय पीने का भाई, मैं हम लोग रोजिएट में भी रात को चाय मंगवाते थे, सुबह भी चाय मंगवाते थे, बहुत टेस्टी एंड दूध वाली स्पेशल चाय का एक अलग ही मज़ा है। लेट्स गो भाई, मज़ा आ गया यार, कितना 2-3 घंटा हो गया, सो आई गेस आराम से 2 घंटे हो गए हम लोगों को डिनर करके, बट अभी भी फिलहाल चाय इतनी गर्म है कि भाई मज़े आ गए सिप लेने में। चाय की जुस्की लेते लेते 300 किलोमीटर हम लोग ऐसे ही पार कर लेंगे, द नेक्स्ट स्टॉप इज गोइंग टू बी वडोदरा गुजरात, लेट्स गो। ओके सो मोटा बहन अब बज चुके हैं रात के 2 एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, हम लोग ने मंच खा लिया, हम लोग ने चाय पी ली, ओवरऑल मज़े कर लिए, क्या हम लोग ने ये ऊपर का एक ये नीचे का दोनों हम लोग ने खाली कर लिया, अपना सभी सामान हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया एंड यहाँ पर बीटी ऑलमोस्ट में बहुत ज़्यादा। सो ओवरऑल मैं आप लोग को एक बस बात छोटी सी बताना चाहता हूँ कि ये बेड इतना कंफर्टेबल बेड है ना, क्योंकि तो कुछ लोगों का है ना वो जो एक बहुत फ्लफ़ी होता है ना, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बेड, उस पर मज़ा नहीं आता सोने में, उनका पूरा बॉडी जकड़ जाता है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड काफ़ी ज़्यादा बहुत बढ़िया बेड है, एज यू गाइस कैन सी, ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं और ज़्यादा कड़क भी नहीं, सो बहुत प्यारी नींद आ जाएगी यहाँ पर। सो एज यू गाइस कैन सी ये अभी फ़िलहाल है, ये एक सोफ़ा टाइप है, सीट्स खाली बैठने के लिए, अगर बैठ के बात करनी है ना उसके लिए है, अगर आपको सोना है तो आपको यहाँ से इसको नीचे खींचना पड़ेगा, जैसे इसको नीचे खींचेगी वो नीचे आ जाएगा एंड हियर वी गो, क्या मस्त सा बेड बन चुका है एंड तो एज यू गाइस कैन सी ओवरऑल बहुत ज़्यादा डबल बेड बन जाता है एंड ये पार्ट और ज़्यादा सॉफ्ट है एंड यहाँ पर हम लोग सो सकते हैं, पिलो वगैरह पिलो यहाँ रखोगे तो अच्छा है, सुबह उठोगे तो आपको सीधा मस्त एक सनराइज़ व्यू मिलेगा, सो सनराइज़ व्यू भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ मोटा भाई हम लोग सब लोग सोने जा रहे हैं, बीटी भी ऑलरेडी झोपला है। ऑल्सो यहाँ ऊपर की मैं बात बताऊँ, ऊपर यहाँ पर ये आप देखोगे ये है एसी फास्ट करने के लिए और बढ़ा स्लो करने के लिए, ये हो गया एसी बंद एंड ऐसे करोगे तो एसी स्टार्ट हो जाएगा,
फिर यहाँ पर कुछ इमरजेंसी ऑप्शन है एंड या ओवरऑल अपना यहाँ पर सामान भी रखा हुआ है। सो फिलहाल है ना, आप लोग पूछ रहे होंगे कि पिलो कहाँ है, रजय कहाँ है। सो दैट इज़ बिकॉज कि कोविड चल रहा है ना, सो इन लोग ने पिलो वगैरह सब कुछ नहीं दिया इस बार। सो आपको अपने आप ही फिलहाल कोविड में तो मैनेज करना पड़ेगा। सो या अभी हम लोग सब लोग सोने जाएंगे, सुबह को मस्त सनराइज शॉट लेंगे आप लोगों के लिए। एंड आई सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग। गुड नाइट अल्फा फैम, टेक केयर। ओके सो मोटा बना वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मैं वडोदरा और सूरत नहीं दिखा पाया बिकॉज मैं एकदम हल्की सी नींद लेने गया था और मुझे इतनी अच्छी नींद आ गई ना ओवरऑल। स्टार्टिंग में ना मेरे को बहुत गर्मी हो रही थी, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत हैवी कपड़ा पहना था। फिर मैंने ये इस पर चेंज कर लिया, फिर काफ़ी कोजी फील होने लगा, काफ़ी मज़ा आने लगा। सो वडोदरा और सूरत मिस हो गया, वरना मैं आपको स्टेशन उतर के दिखा था। बट राइट नाउ अभी मैं उठ चुका हूँ, आधा घंटा हो चुका है एंड मैंने कैमराज वगैरह हर जगह सेटअप कर लिए हैं फॉर द सनराइज शॉट इन ट्रेन। सो अभी फिलहाल पहले हम टाइम लैप्स लेंगे, फिर फ्रेश होंगे, फिर बहुत सारी फोटोज़ खींचेंगे अच्छे अच्छे। ऑल्सो गाइज, हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकले थे एग्जैक्टली एट 5 PM शाम को निकले थे एंड हम लोग मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएंगे एट 8:15 AM। सो या जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नाउ आप लोग देखने वाले एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सनराइज शॉट, लेट्स गो। ऑल्सो मोटा बहन ये जो विंडो है यहाँ पर, यहीं से सनराइज़ होने वाला है बिकॉज ये एग्जैक्टली ईस्ट से है। सो या बहुत मज़ेदार सनराइज़ होने वाला है, अभी तो हुआ नहीं है ऑलमोस्ट, बस फैला दिए हैं पंख हमारे सूरज दादा ने। सो या लेट्स गो। आधे घंटे पहले हम लोग मुंबई सेंट्रल से निकल चुके हैं और अभी हम लोग आ गए अपने गाड़ी में। सो घर पहुंचने से पहले हमको जस्ट एक थैंक यू बोलना था गणपति पापा को एंड जस्ट एक प्रेयर करना था कि हम लोग को सेफली घर पे पहुंचा दिया। सो हम लोग अभी जाने वाले हैं सिद्धि विनायक एंड आई ट्राई टू गेट अ लिटल बिट ऑफ क्लिप्स बट मैं श्योर नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर आप लोग को व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है, राजधानी देखने में मज़ा आया तो लाइक करो फटाफट, सिद्धि विनायक ज़्यादा नहीं हैव अ लॉट ऑफ फन। सो मोटा मैन आ चुका है हम सिद्धि विनायक, लेट्स गो। मोटा मैन एज यू गाइस नो, कोविड की वजह से मंदिर वगैरह बंद है फिलहाल, तो मेरे को अभी मालूम चला कि मंदिर बंद है। सो कोई ना, हम लोग यहीं से खड़े रहकर हाथ जोड़ लेंगे भगवान से। आप लोग भी सभी लोग हाथ जोड़ लो एंड थैंक यू सो मच गणपति अप्पा वंस अगेन फॉर कीपिंग अस सेफ एंड साउंड एंड घर पे एकदम अच्छे से शांति से पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड या टेक केयर गणपति बाबा, बाय। मुंबई की गर्मी
ओवरऑल राजधानी में बहुत मजा आया। मैं बीटी से भी पूछ लेता हूँ, बीटी कैसा मजा आया राजधानी में? भैया भाई ओवरऑल पूरी राजधानी ट्रिप कैसी थी? बहुत अच्छी थी। 10 महीनों बाद आए थे इसलिए और ज़्यादा मजा आया, क्योंकि बहुत टाइम से एक्सपीरियंस नहीं किया था। नहीं तो हम 10 महीनों पहले हमारा फ्रीक्वेंट ट्रिप्स हुआ करता था दिल्ली, तब आते थे हम राजधानी। बड़ा भी इतने टाइम बाद घूम के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई होप आप सभी को भी मजा आया हो व्लॉग देख के। अगर मजा आया हो तो लाइक मार देना यार मेरी तरफ से। मैं तो एक्शन करो भाई सर लाइक का, मेक श्योर टू लाइक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं बोरीवली साइड एंड नसीब से सुबह के टाइम पर फ्रॉम टाउन टू माई होम बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता। एंड यार सबसे बुरी बात तो देखो इन लोगों के लिए, यहाँ पर आप देखोगे ना भाई इतना ट्रैफिक है ना यहाँ से टाउन साइड जाने में, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। जो वैसे अपना पूरा रोड खाली है विच इज़ गुड फॉर अस, वरना भाई अभी पहुँच प्रॉब्लम हो जाती भाई, बहुत ज़्यादा थक गए हैं ऑलरेडी। सो या अभी हम लोग सब लोग घर पे निकल रहे हैं। सो या मोटा भाई जो पूरी जर्नी थी फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया फ्लाइट, स्टेइंग इन रोजेट हाउस इन न्यू दिल्ली एंड फिर 4 दिन वहाँ पर बिताकर दिल्ली टू मुंबई इन राजधानी एक्सप्रेस, काफ़ी मज़ा आया। सो अभी हम तीनों जा रहे हैं फटाफट बोरीवली मेरे घर पे एंड वहाँ पर जाकर जहाँ से ये पूरी जर्नी की शुरुआत हुई थी वहीं जाकर आपके लिए एंड करेंगे एंड मम्मी पापा से बात करेंगे, बस 4 दिन से नहीं मिला एंड मम्मी बोल रही कब आओगे। सो या मिलते हैं मॉम डैड से, आई एम वेरी एक्साइटेड। सो वंस अगेन मोटा भाई, अगर आप लोगों ने पूरा ये व्लॉग सीरीज देखा है फिर आपको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर एक एक लाइक करो, क्योंकि क्या लाइक करोगे ना तो क्या ना मेरे को पता चल गया कि हाँ तुमको मज़ा आ रहा है और तुमको मैं ऐसा ही कंटेंट और दूंगा। तो ज़रूर लाइक करो सभी लोग मिलकर, सर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करो एंड हमारी अल्फा क्लैशर फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय।